अस्सलाम वालेकुम एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो है शीफर ग्लोइड पेंट बेस के ऊपर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग न्यू हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है शीफर की ग्लोइड 3X कवरेज पेंट बेस और मेरे पास जो इसका नंबर है वो है नेचुरल। इसमें आपको बहुत सारे कलर मिल जाते हैं, अपनी स्किन के हिसाब से आप लोग ले सकते हो। और इस पे लिखा है नॉन ग्रीसी मेकअप बेस और ये 100% हलाल प्रोडक्ट है और ये है मेड इन पाकिस्तान। और इसके बैक साइड पे सारे इंग्रेडिएंट वगैरह आपको दिख रहे होंगे और ये है 18 ग्राम का प्रोडक्ट। तो अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये आपको एक हांडी बेस की सूरत में रिसीव होती है, बहुत ही क्यूट सी पैकेजिंग है, छोटी सी। मेंशन है कि ये वाटरप्रूफ प्रोडक्ट है तो आपने इसको हमेशा ड्राई स्पॉन्ज के साथ लगाना है, वेट स्पॉन्ज के साथ नहीं लगाना। आप इसको ब्रश के साथ भी लगा सकते हैं। लोग इसका साइज देखो, आपको काफी बड़ा लग रहा होगा लेकिन अभी मैं आपको इसको खोल कर दिखाती हूँ इसके अंदर की पैकेजिंग। साइज ये है इसके अंदर की पैकेजिंग, हांडी में से छोटी सी कटोरी निकली है, बस इतनी ही ये प्रोडक्ट है। देखने में काफी बड़ी लग रही है लेकिन ये जो प्रोडक्ट है बस इसी कटोरी में है। तो अब मैं आपको इसको लगा के दिखा देती हूँ। इसका जो टेक्सचर है बहुत ही क्रीमी है, आप लोग देखो फुल कवरेज है। इस तरह से आपने हैंड पे ले लेना है, बहुत ही इजी टू अप्लाई है। तो अब हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं स्पंज के साथ इस तरह से। आप लोग देखो कितनी फुल कवरेज है ये। नाउ यू कैन सी कितने अच्छे से इसने मेरे हैंड को कवर कर लिया है। और ये लगाने में क्रीमी लग रही थी लेकिन लगाने के बाद आप लोग देख सकते हो ये टोटली मैट हो गई बेस। और ये 100% फुल कवरेज है, आप इसको ब्राइट पे भी लगा सकते हो और आप इसको एज अ स्टिक भी यूज़ कर सकते हो। ये आपके ऊपर है इसको आपने किस तरह बिल्डअप करना है। आप जितनी जितनी फाउंडेशन लगाओगे उतनी ज़्यादा बिल्डअप हो जाएगी, सबसे अच्छी बात इसकी ये है। तो अब मैं पाउडर के साथ इस बेस को सेट कर लूँगी ताकि ये बिल्कुल लॉक हो जाए। बिल्कुल प्योर मैट बेस है, अफोर्डेबल है और ये आपको 700 रुपीज़ की इधर आज से मिल जाएगी आसानी से। आप इसको जब भी लगाओ ना तो आप लोगों ने इसको बहुत जल्दी जल्दी ब्लेंड करना होता है वरना ये ड्राई होने लग जाती है उस जगह से। तो अब हम लोग इसको टेस्ट करते हैं कि ये वाटरप्रूफ है या नहीं पानी का स्प्रे कर। तो आप लोग देख सकते हो कहीं भी बेस नहीं है टिश्यू पर, तो ये 100% वाटरप्रूफ बेस है और ये बेस अपनी जगह पर ही है। तो गाइज़ ये बहुत अच्छी बेस है गर्मियों के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।